अज हर पाकिस्तानी हो तो सोचे कि काश असां वट भी अड़ी सस्ती बिजली हुए सस्तो अटो हो जी कश्मीर वट थो यकीनन चार ढीन के एहतजाज का पोजी मुतालबात मनिया वह असें ये लगन कि असा चार महीना भी एहतजाज कियो तो असाई मुतालबात को पूरा थी बचा वही सिंपल आईएमएफ 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 इजाजत ही को डिस्कशन कहे बशारत मुगल साहब सा सीनियर रिपोर्टर इन यकीनन इन सजे इशू से रिपोर्टिंग कहा रहा इन मामले से बशारत साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुगल साहब ये बताइए लोग समझ रहे हैं कि ये चार दिन का एहतजाज था, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये कमेटी जो थी ये एक साल से ये मुतालबा कर रही थी, हमें इस एहतजाज का बशारत साहब बैकग्राउंड थोड़ा सा प्लीज बताइएगा और ये बताइएगा इसी कामयाबी का राज क्या था। जी तला साहब आपका शुक्रिया आपने लाइन पे लिया। आजाद कश्मीर के अंदर जो अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी जम्मू कश्मीर की, ये गुजश्ता एक साल से आजाद कश्मीर के अंदर इस बात के ऊपर पहुदो कर रही थी कि आजाद कश्मीर के अंदर जो पन बिजली के मंसूबे उनकी जो पैदावारी लागत पे हमें बिजली दी जाए, इजाफी टैक्सेस हमारे खत्म किए जाएं और साथ इनका ये भी मुतालबा था कि आजाद कश्मीर के अंदर जो वुजरा किए ब्यूरोक्रेट्स किए उनकी मराहत में भी कमी की जाए और साथ ही जो आटे की सब्सिडी दी जाए। तो ये मुजाकरात इस हुकूमत के साथ चलते रहे और बाद में जाके एक वक्त ऐसा आया कि मुजाकरात के ऊपर जाके इत्तेफाक हुआ, फिर ये मुतालबात ना माने गए तो उसके बाद दोबारा जम्मू कश्मीर ये जो अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है इसने मुकम्मल हड़ताल की। जब आजाद कश्मीर में काल दी तो आजाद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि 10 अजला के अंदर मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल हुई है और इस दौरान हुकूमत ने दफा 144 नाफिज किया है, जुमला तालीमी इदारे बंद किए हैं, आजाद कश्मीर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी और आजाद कश्मीर के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां भरपूर अंदाज में ताजरों ने इस हड़ताल में हिस्सा ना लिया हुआ। 10 अजला के अंदर मुकम्मल तौर पे जो निजाम जिंदगी पूरी तरह मुतासर था और साथ में आपको ये भी बताता चलूं तला साहब के आजाद कश्मीर के अंदर अवाम के अंदर ये क्योंकि इनका बार बार ये मुतालबा था कि हमारे जुमला जो मुतालबात हैं उनको हुकूमत आजाद कश्मीर पूरे करे और ताकि हमारे अंदर जो बेचैनी है ये खत्म हो सके, कश्मीर के अंदर जो आए रोज बेताशा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो ये चाह रहे थे कि हुकूमत इसके ऊपर संजीदगी का मुजाहरा करे। हुकूमत ने कमेटियां भी बनाई, बाद जब इत्तेफाक हुआ तो नहीं हो सका। आज चूंकि जब ये मार्च का ऐलान किया गया तो आज पांचवें रोज से एहतजाज था लेकिन चार रोज हो चुके हैं, कश्मीर मुकम्मल तौर पर बंद। कामयाबी का राज बशारत साहब, कामयाबी का राज, कामयाबी का राज तला साहब एक ही है, ये यूनिटी है, ये मसाली इतिहाद है जिसकी बना पे आज जब आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मीटिंग वहां बुलाई, उसके बाद आजाद कश्मीर की पूरी सियासी जमातों के कायदीन समेत वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर को भी उसके मीटिंग के अंदर रखा और वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर ने खुद इस बात का भी इजहार किया है कि आजाद कश्मीर के अंदर ये जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी है जिस तरीके से इन्होंने किरदार अदा किए हमें भी मौका मिला है कि हम हुकूमत पाकिस्तान से 23 अरब रुपए का ये बशारत भाई वो जो छह मंगोलियां वो जो गॉसिप्स हो रही हैं कि भारत करवा रहा था इंडिया करवा रहा था और इसीलिए हुकूमत ने फौरन से मुतालबात पूरे कर दिए ताकि दुनिया में हमारे ऑप्टिक्स बुरे ना जाएं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी दोबारा फरमाइए तला साहब। ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है बशारत साहब कि ये भारत जो है मुलव्वज़ था और वो उकसा रहा था लोगों को और ये हालात खराब करना चाह रहा था इसीलिए फौरन से मुतालबात मान लिए गए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जहां तक आजाद कश्मीर में भारत है, भारत को क्योंकि हमारा एक दुश्मन मुल्क है और हमारे साथ जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आए रोज वो कश्मीरी के ऊपर बमबारी करता है, वहां लाइन ऑफ कंट्रोल की फायरिंग होती है, लोग वहां से शहीद होते हैं, भारत तो अपना भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है कि आजाद कश्मीर के अंदर अफरा तफरी हो लेकिन आजाद कश्मीर की जो आवाम है वो अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाली है लेकिन अपने हकूक के लिए किसी तरह से ये कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। इनकी यही यूनिटी थी जिसकी वजह से आज इनको बस बशारत भाई मैं आज यही दुआ कर रहा हूँ बशारत भाई, पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे पेश आए उससे जो रेंजर थी उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस थे मुजाहिरीन के दरमियान जो झड़पें हुई हैं आज इसमें अभी तक 3 अफराद तला साहब जान बाज हो चुके हैं और 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी है, 2 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तकलीफनाक है और ये सूरत हाल है इस वक्त आजाद कश्मीर की थी। यकीनन और हर कोई यही सोच रहा है कि क्या हम भी अगर 4 दिन एहतजाज करेंगे तो बिजली हमारे लिए इतनी सस्ती हो जाएगी या नहीं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया बशारत मुगल साहब आपके कीमती वक्त के लिए, यकीनन आपने हमें अपडेट किया।